सिस्टम तीन तरह का होता है, सिस्टम तीन तरह का होता है। देखो तीन तरह का क्या क्या सिस्टम होगा, ठीक है ना। सबसे पहले वाले को बोलेंगे ओपन सिस्टम, दूसरे वाले को बोलेंगे क्लोज सिस्टम, और तीसरे वाले को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। देखो क्या होता है ओपन सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन प्रोसेस करा रहे हैं तो इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। ये मेरा क्या हो गया, इसको ओपन सिस्टम बोला जाएगा। एक होता है क्लोज सिस्टम, देखो हम लोग क्या किया है, ये जो कुछ रिएक्शन इसमें कराएंगे और इसी में ऐसा ढक्कन लगा देंगे, ये वाला कुछ ऐसा। तो ये जो रिएक्शन होगा ना इसके अंदर, इसको बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज्ड सिस्टम। और एक ऐसा कंटेनर जिसमें इसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे, पूरा एकदम आइसोलेट कर देंगे, किसी तरह से बंद कर देंगे कि हीट ना तो हीट इससे ट्रांसफर कर सके ना तो इससे मैटर ट्रांसफर कर सके, ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन तरह का सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में दोनों चीज मैटर भी तुम्हारा सराउंडिंग से तुम्हारा बाहर निकल सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, मैटर बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा, मैटर बाहर भी जाएगा, मैटर अंदर भी आएगा, ठीक है ना। और हीट बाहर भी जाएगा अंदर भी जाएगा, हीट हमारा बाहर भी जाएगा अंदर भी जाएगा। मतलब अगर मान लो इसको हम लोग किसी फ्लास्क मतलब चढ़ा देंगे, बर्नर वगैरह में ऐसा चढ़ा देंगे, तो बर्नर में चढ़ाने के बाद क्या होगा, हीट अंदर जाएगा, हीट अंदर जाएगा, यहाँ से जब हीट जाएगा तो अंदर जाएगा कि नहीं, सही जाएगा, हीट अंदर जाएगा। अब तो क्या, अब यहाँ से जो हम लोग बर्न मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ का मेटेरियल इवेपोरेट करके बाहर भी तो निकलेगा ना, मतलब मैटर का और हीट का मतलब एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अगर कभी किसी सिस्टम में, अगर कभी किसी सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, तो उस सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा मेरा क्या, अगर इसी को हम ढक्कन से बंद कर दिए, इसी को क्या कर दिया, ढक्कन से बंद कर दिए, इसी को क्या किया, ढक्कन से बंद कर दिए। अब बताओ अगर इसको हम लोग किसी भी बर्नर में चढ़ा देते हैं तो एनर्जी तो ट्रांसफर कर जाएगा, हीट तो इसके अंदर चले जाएगा, क्या मैटर बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो मैटर बाहर नहीं आ सकता, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर करता है, एनर्जी केवल ट्रांसफर करेगा, मैटर ट्रांसफर नहीं करेगा, उस सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल हीट ट्रांसफर करेगा, ये तो बंद कर दिए ना। आप बताओ इसको हम लोग बंद कर दिए तो क्या यहां से मैटर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्लोज सिस्टम कहेंगे। पर एक मेरे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा और ना तो हीट का ट्रांसफर होगा, दोनों में से किसी चीज का ट्रांसफर नहीं होता है। इसी को हम लोग बंद कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज से आइसोलेट कर देते हैं, ना तो इससे हीट ट्रांसफर करने देंगे और ना तो मैटर ट्रांसफर करने देंगे। तो वो जो सिस्टम बनेगा ना, उसी सिस्टम को बोलेंगे क्या, आइसोलेट सिस्टम। इसको बंद ऐसा कर दिए ना, ना तो हीट ट्रांसफर कर पाएगा और ना तो मैटर ट्रांसफर कर पाएगा। इस तरह का जो सिस्टम होगा ना, उस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। समझ में आया, सिस्टम तीन तरह का होता है, एक हमारा ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर करता है सराउंडिंग के साथ में, एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल मैटर केवल एनर्जी ट्रांसफर करता है, मैटर ट्रांसफर नहीं करता है सराउंडिंग के साथ में, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड जिसमें कोई नहीं करेगा, ना तो मैटर ट्रांसफर करेगा ना तो हीट ट्रांसफर।